सो हे गाइस, वेलकम टू MKG AKA मोबाइल का गेमर। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा मॉड जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जावा एडिशन में। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ वो मॉड पॉकेट एडिशन के लिए, तो वो है स्काई फैक्ट्री। जी हाँ गाइस, स्काई फैक्ट्री जो कि मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स खेलते हैं जावा एडिशन में। तो ये वाला मॉड पॉकेट एडिशन में बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो भाई दोनों की कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। पर जितना इसको बनाया जा सकता है बनाया गया, और जिन्होंने बनाया उनके और उनके क्रेडिट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो और मैं एक और खुशखबरी बता दूं कि भाई मैं भी अभी इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। काफ़ी लोग गुस्सा होंगे कि भाई तू तो यार अंडरग्राउंड सर्वाइवल खेलने वाला था, ये क्यों स्टार्ट कर रहा है। तो मैं अंडरग्राउंड सर्वाइवल इसलिए नहीं खेलना चाहता अभी, क्योंकि जैसा आपको पता होगा माइनक्राफ्ट का भी केव अपडेट आने वाला है, और अंडरग्राउंड सर्वाइवल में मतलब मेनली हमें केव्स में ही काम होता है। तो आपको आप समझ सकते हो कि भाई केव अपडेट आएगा तो मतलब काफ़ी सारी नई चीज़ें आएंगी, तो तब हमें ज़्यादा मज़ा आएगा अंडरग्राउंड सर्वाइवल खेलने में। क्योंकि अगर हम उससे पहले खेल लेंगे तो यार क्या मज़ा, मतलब फिर नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए मैं अंडरग्राउंड सर्वाइवल को अभी थोड़ा होल्ड पर रख रहा हूँ, और जैसे उसका बीटा वर्जन रिलीज़ होगा हम वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो चलो यार, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप स्काई फैक्ट्री का मॉड अपने पॉकेट एडिशन में डाउनलोड कर सकते हो, और मैं इसको थोड़ा बहुत आपको खेल के दिखाऊंगा कि और आपको समझा दूंगा कि स्काई फैक्ट्री होता क्या है। तो स्काई फैक्ट्री बेसिकली है क्या, एक स्काई ब्लॉक की तरह है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। पर इसमें हमें मेन काम होता है हमारा पूरा जितने भी चीज़ें हैं ना सबको ऑटोमेटिक बनाना। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो इन सब का काम होता है आपके पूरे बेस को ऑटोमेटिक बनाना। तो ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है मतलब हमारे पूरे बेस के लिए। तो चलो यार, अभी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि मतलब इसको कैसे खेलना है, उसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, इसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। फिर जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, इस आपकी फाइल पे क्लिक करना है। अब कई लोगों के में ऐसा होता है कि माइनक्राफ्ट वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके वर्ल्ड में मतलब आपके ऐप में सीधा वो वर्ल्ड आ जाएगी। अब कई में क्या होता है कि मतलब ये माइनक्राफ्ट वाला ऑप्शन नहीं आता सीधा, ये तीन ऑप्शन आते हैं जेड आर्चीवर प्रो और कॉपी और एक्सट्रैक्ट। तो आपको क्या करना है, जेड आर्चीवर प्रो पे क्लिक करना है, और या ये जो आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं इन सबको इन पे क्लिक करना है इस तरीके से, और इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कॉपी कर लेना है इन सबको, और इसका एक नया फोल्डर बना दो आप। मैं बना लेता हूँ जल्दी से, यहाँ पर आपको इसका फोल्डर बना देना है स्काई फैक्ट्री। तो जैसे आप ये फोल्डर बना दोगे फिर आप इस फोल्डर के अंदर आ जाओगे और आपको यहाँ पर जितना भी आपने वो कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप ये कर लोगे फिर आपको अपना ये स्काई फैक्ट्री वाला फोल्डर लेना है, इसको यहाँ से कट करना है, जाना अपने इंटरनल स्टोरेज में। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना अपने गेम्स वाले फोल्डर में com.mojang में, और यहाँ पर जाके आपको माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स में जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये मतलब जो फोल्डर है मतलब ये जो वर्ल्ड है ये मेरे माइनक्राफ्ट ऐप में आ जाएगी। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये है क्या स्काई फैक्ट्री और से खेलना कैसे होता है। तो गाइस, आप जैसे देख सकते हो मैंने जैसे वो अपनी वर्ल्ड उसमें पेस्ट की, तो यहाँ पर आ गई है मेरी वर्ल्ड। चलो मैं आपको इसको खेल के दिखाता हूँ। तो ये आपके पास वर्ल्ड आ जाएगी स्काई फैक्ट्री बी, मतलब ये सब जितना भी लिखा हुआ ये आ जाएगा। फिर आपको इस वर्ल्ड पे क्लिक करना है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है और इसमें आपको मेन काम करना क्या होता है। ओके गाइस, जैसे आपकी वर्ल्ड पूरी लोड हो जाएगी फिर आप इस जगह पे आ जाओगे, आप देख सकते हो आप एक वुडन मतलब एरिया में हो। तो यहाँ पर आते हैं आपको ये तीन ऐसे बर्ड साइन मिल जाएंगे, इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे साइन लगा रखे हैं इसके क्रिएटर ने, वेलकम टू स्काई फैक्ट्री बेडरॉक एडिशन, और इसके क्रिएटर का नाम है डैन रोबोस प्रॉप्स, तो मतलब ये इसके क्रिएटर का नाम। और यहाँ पर लिखा हुआ, आई हैव ट्राइड टू मेक दिस मैप अलॉन्ग द लाइंस ऑफ मॉडर्न माइनक्राफ्ट, होपफुली यू विल एंजॉय इट एंड क्राफ्ट द इन्फिनिटी ब्लॉक। तो इसमें मतलब हमें लास्ट में एक इन्फिनिटी ब्लॉक क्राफ्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है आपके पास, पंच द जूक बॉक्स फॉर बोन फ्रेगमेंट्स। तो गाइस, इस गेम का सबसे जो मेन इसमें मतलब चीज़ होती है वो होती है बोन फ्रेगमेंट्स। तो वो बोन फ्रेगमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो आप क्या करो, ये जितने भी बोन फ्रेगमेंट्स हैं ना जितने लेना ले सकते हो आप ले लो। तो जितने भी आप बोन फ्रेगमेंट्स लेना चाहते हो यहाँ से आप ले लो इसको जूक बॉक्स को प्रेस करके। और अगर आप मतलब बार बार इसको प्रेस नहीं करना चाहते तो उसका तरीका मतलब क्या है बिना मतलब इसको प्रेस किए वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टेलीपोर्ट टू योर ट्री, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने ट्री के पास स्पॉन हो जाओगे। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा स्काई ब्लॉक की तरह है, पर इसमें बस मेन काम यही है कि हमें अपनी चीज़ों को ऑटोमेटिक बनाना होता है, जैसे ऑटोमेटिक फार्मिंग वगैरह हो गई, जितनी भी सारी माइनिंग वगैरह चीज़ें होती है। और इसमें काफ़ी सारी नई क्राफ्टिंग रेसिपीज आएंगी आपके पास, तो वो कैसे आपको देखनी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नीचे लेके चलता हूँ, मतलब ये जितनी वुड वगैरह इसको इकट्ठा कर लेता हूँ पहले। ओके गाइस, मैंने सारी की सारी वुड ले ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको एक नई रेसिपी क्या मिलती है। तो यहाँ पर आप बोन फ्रेगमेंट से बना सकते हो बोन मील, जैसा आप देख सकते हो इस तरीके से। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ सारे।
ओके, तो बोन मील का यहाँ पर क्या काम है, बोन मील अगर आप इस तरीके से रखोगे जी, अगर इस तरीके से, तो आपके पास आ जाएगी एक रेसिपी एरिया की बुक। तो जैसा आप उसे पकड़ोगे तो आप आ जाओगे इस वाले एरिया में, आप देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पर जैसा आप लिवर को प्रेस करोगे तो आपके सामने आ जाएगी एक क्वेस्ट बुक। तो इसमें आपको मतलब सारे आपको मतलब ये बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको नई नई रेसिपीज़ मिल जाएंगी, आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पर काम है हमें करने को। तो जैसे आप इसे पूरी पढ़ लोगे फिर आप इसे आराम से खेल सकते हो। और यहाँ पर जैसे आप जूक बॉक्स के साइड आ जाओगे, इसको आपको प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक सीक्रेट टिप्स मिल जाएंगे इस मतलब इस मॉड को खेलने के लिए, तो आप ये भी आराम से पढ़ सकते हो। और जैसे आप इस वाले एरिया में आओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे नई नई क्राफ्टिंग रेसिपीज़। जैसे आप देख सकते हो प्लास्टिक शीट बनाने मतलब टेम्पर्ड प्लास्टिक शीट बनाने के लिए आपको प्लास्टिक शीट को फर्नेस में रखना होगा, तभी आप एक वो ऑब्टेन करवाओगे। और ड्रैगन एग को भी आप इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको नई नई रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और इसी के मतलब दूसरी साइड चल के तो मतलब आपको यहाँ पर क्राफ्टिंग रेसिपीज़ मिल जाएंगी इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर एक ये जो क्राफ्टिंग रेसिपी ये है ड्रैगोनियम स्वॉर्ड के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ड्रैगोनियम इनगट चाहिए होगा और ड्रैगोनियम नगेट चाहिए होगा, तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी मतलब नई नई रेसिपीज़ मिल जाएंगी जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये वाली जो रेसिपी है ये है ड्रैगन एग बनाने के लिए। जी हाँ गाइस, ड्रैगन एग जो मतलब नॉर्मल माइनक्राफ्ट में क्राफ्टेबल नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी नई नई रेसिपीज़ हैं। तो इन्हीं को आपको देख के मतलब ये अपना जो स्काई फैक्ट्री इसको कंप्लीट करना होगा, मतलब लास्ट में जितना आप बना सकते हो बनाना होगा। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हैं, जैसे बोन की स्वॉर्ड है ये, बोन डैगर, तो ये आप इस तरीके से बना सकते हो। चलो मैं आपको वापस अपने आइलैंड पर जाके दिखाता हूँ। और गाइज अगर आपको वापस मतलब यहाँ इस जगह पर आना है रेसिपीज़ देखने, तो आपको फिर से वो बुक बनानी पड़ेगी बोन मील से, तभी आप इस जगह पे आ पाओगे दोबारा। तो चलो इस लिवर को फ्लिक करते हैं और यहाँ पर चलते हैं अपने यहाँ पर बेस पे। तो चलो मैं इसको जो अपना बेस है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, और इससे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ क्योंकि आज तो मेरे पास मतलब ठीक ठाक जगह आ गई है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो बोन फ्रेगमेंट है वो आपको कैसे मिलेंगे। तो मेरे पास एक ऑलरेडी है, तो जैसे आप यहाँ पर क्राउच करोगे तो आप देख सकते हैं कैसे फार्टिंग सी साउंड आती है और फिर आपके पास ये बोन फ्रेगमेंट आ जाएगा। फिर जैसे आपके पास आए ना, आपको क्या कर देना है, इसको ऐसे फेंक देना है ताकि ये बार बार गायब ना हो जाए, क्योंकि जैसे आप मतलब एक बार फिर से क्राउच करोगे ना तो आपके पास आ तो जाएगा, पर जैसे आप फिर अनक्राउच होगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब गायब हो जाता है। तो आपको इसको लेने के लिए बस इसको फेंकते रहना है जैसे जैसे आप क्राउच करते रहो, इसी तरीके से आप कलेक्ट कर पाओगे इनको। तो आप देख सकते हो जैसे कि मेरे पास आ गए हैं 4 बोन फ्रेगमेंट्स, तो इसी तरह मतलब आप बोन फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हो और उनसे बोन मील बना सकते हो। और अगर आपको वापस उस रेसिपी एरिया वाली उसमें जाना है तो उसके लिए आपको फिर से वही बुक क्राफ्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से, जो आप देख सकते हो। तो बार बार मतलब आप समझ जाओ कि आपके पास देखो बोन मील की कमी तो होने नहीं वाली, क्योंकि आप बहुत आराम से बोन मील बना सकते हो ये बोन फ्रेगमेंट से। तो इस तरीके से आप बार बार चाहो तो वहाँ पर जाके अपनी रेसिपी देख सकते हो। ओके, देख सकते हो मेरे को सैपलिंग मिल गई। तो इस मतलब पूरे स्काई फैक्ट्री का यही काम होता है कि आपको अपना जो स्काई ब्लॉक है इस तरीके का, उसको पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना है। मतलब फार्मिंग भी मतलब कोई और मतलब ऐसे रोबोट्स करेगा, जैसे मिनियंस वगैरह होते हैं सर्वर में, उसी तरीके से आप समझ लो कि एक फार्मिंग होती है यहाँ पे। तो मैं आपको सारे के सारे इसमें जो नए नए ब्लॉक्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा क्रिएटिव में। ओके गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पॉन एक्स के पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉबलस्टोन जनरेटर को स्पॉन करने का ब्लॉक है, लावा टैंक को स्पॉन करने का ब्लॉक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने मतलब ऑटोमेटिक काम करने की चीज़ें होती है वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और यहाँ पर एक फार्मिंग करने का भी ब्लॉक है, वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, पता नहीं यहीं पर होगा एक, ये जैसा आप देख सकते हो स्पॉन ऑटो फार्मर। तो यहाँ पर एक ऐसा ब्लॉक है जो मतलब जैसे आप उसे अपने फार्मिंग एरिया में लगाओगे तो वो अपने आप ही सीड्स लगाता रहेगा और अपने आप ही आपको वीट देगा। तो मतलब काफ़ी मतलब अच्छा इसमें ये आपको एडवांटेज मिल जाता है, एकदम सर्वर वाला टाइप, जैसे मिनियंस वगैरह होते हैं ना सर्वर में, वो आपके लिए फार्मिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ब्लॉक्स की लिस्ट है जो आपको इसमें नए नए देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप मतलब अपना जो पूरा स्काई फैक्ट्री है इसको बनाना, और इसको मतलब इसमें आपको मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इसको पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या क्या करना है, तो आप यहाँ पर क्वेस्ट बुक को पढ़ सकते हो और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आपको सबसे पहले डर्ट है उसको क्राफ्ट करना है। और मैं आपको बता दूँ कि भाई इसमें आपको काफ़ी सारी नई नई रेसिपीज़ मिल जाएंगी, तो आप समझ लो मतलब आपको थोड़ा इसमें याद करना पड़ेगा, बस इसमें यही है एक दिक्कत, बाकी बस बहुत ही अमेजिंग है जो पूरा स्काई फैक्ट्री। और मैं इसका सीरीज़ है वो भी बहुत जल्दी लाऊंगा, और आप यहाँ पर सारी मतलब क्वेस्ट पढ़ सकते हो और आप समझ जाओगे कि आपको क्या क्या करना है।
तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप भाई एक्साइटेड हो सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए। और मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि भाई हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं 3K सब्सक्राइबर्स। यहाँ गाइस मैं आपको फिर से थैंक यू करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं 3K सब्सक्राइबर्स। यहाँ गाइस 3K सब्सक्राइबर्स। तो गाइस थैंक यू सो मच यार जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।